तो हम लोगों ने कल क्या देखा था, कैलोरी मीटर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मैंने उसमें ये बताया था कि हीट लॉस्ट बाय वन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू क्या होगा, हीट गेन बाय क्या होगा, अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है यदि, और इसमें जब हम मिक्सिंग करते हैं तो दो सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लिक्विड को एक साथ हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, या लिक्विड और स्टीम को भी हम क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना है। और कल हमने ये रिजल्ट भी फिगर आउट किया था, फाइंड आउट किया था कि टी मिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसमें हमने एक चीज़ कंसीडर किया था कि मिक्सिंग के ड्यूरिंग मिक्सिंग फेज चेंज नहीं हो रहा है, समझ में आया ना, लिक्विड लिक्विड में ही रह रहा है और सॉलिड सॉलिड में ही रह रहा है। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन नहीं हो रहा है और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो इसके बाद ये तुमको एक पॉइंट याद रखना है कि टी मिक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हाइयर टेम्परेचर से क्या होगा, जो हाइयर टेम्परेचर है उससे क्या होगा, कम होगा, और लोअर टेम्परेचर से क्या होगा, ज़्यादा हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। समझ में आया ना, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इस पे बेस्ड एक हम न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर हीटिंग कर्व पढ़ना है अपने को। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल लिखो, लिखो द टेम्परेचर ऑफ, और ये इम्पॉर्टेंट है, अभी जो ये बोल रहा हूँ ना कि ये इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, इसलिए इसको इस पर प्रैक्टिस करना है और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी होता है। तो द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ थ्री डिफरेंट लिक्विड्स, थ्री डिफरेंट लिक्विड्स ए बी सी आर एट 12 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। समझ में आया क्या, थ्री लिक्विड्स है जिनका मास क्या है, सेम है, और उनको आप टेम्परेचर क्या है, बिफोर मिक्सिंग, अभी उनको मिक्स नहीं कर रहे हैं, समझ में आया ना, उनका टेम्परेचर क्या है, 12 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस और क्या है, 28 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द टेम्परेचर, लिखो द टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड, इसका मतलब क्या है, कॉमन टेम्परेचर की बात हो रही है, समझ में आया ना, लिखो द टेम्परेचर व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड इज 16 degree Celsius and when B and C are mixed is 23 degree Celsius। क्वेश्चन समझ में आया है कि जब A और क्या है, हम किसको मिक्स कर रहे हैं, A और B को मिक्स कर रहे हैं, तो कॉमन टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, 16 degree, टी मिक्स, और जब B एंड C को मिक्स कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 23 degree Celsius। तो ऑब्वियसली ये पूछा गया है कि जब ए और सी को हम मिक्स करेंगे तो कॉमन टेम्परेचर क्या होगा। तो लिखो फाइंड द टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी आर मिक्स्ड टुगेदर। ठीक है, जब ए एंड सी को हम मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा आपको बताना है। कॉन्सेप्ट वही याद रखना है क्या, कि हीट लॉस्ट बाई वन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू क्या होगा, हीट गेन बाई, अब जिसका हाइयर टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा, रिलीज करेगा, और जिसका टेम्परेचर लोअर होगा वो हीट को क्या करेगा, गेन करेगा। समझ में आया ना। ठीक है, अब देखो इसमें दिया क्या नहीं है, तुम बता सकते हो कि क्या नहीं दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिया। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको क्या करना है, स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम चल गया तो हम आसानी से कैलकुलेट, इक्वल मास दिया ही है तो पहले लिखो, लिखते जाओ, सब कुछ दिया हुआ है, लिखो व्हेन ए एंड बी आर मिक्स टुगेदर, तुम सॉल्व करके बताओ जल्दी जल्दी, तुम सॉल्व करो, जब ए एंड बी को तो क्या लिखोगे, देखो तो इसमें ए और बी को मिक्स कर रहे हो तो हीट लॉस कौन कर रहा है, बी, एंड गेन कौन कर रहा है, अरे क्यों, क्योंकि ए का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कम है, बी का क्या है, ज्यादा है, तो ये लिख लो व्हेन, लिखो
हीट, ऐसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लिखो हीट लॉस्ट बाय क्या होगा, हीट लॉस्ट बाय क्या होगा बी इज इक्वल टू क्या होगा हीट गेन बाय क्या होगा ए। समझ में आया ना, मास सेम दिया था ए, देखो तो ऑफ कोर्स इसका टेम्परेचर क्या होगा कम हो रहा होगा, तो हम क्या लिखेंगे बताओ, एम मास तो सेम ही दिया हुआ है तो एस बी सही है, क्या लिखेंगे इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 19 डिग्री, माइनस कितना दिया हुआ है 16 सही है, टी कॉमन यही दिया हुआ है ना, इक्वल टू क्या लिखेंगे एम एस ए इंटू क्या लिखेंगे बताओ टी माइनस, या फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे लेकिन टी माइनस, तो यहाँ 16 रख दो सही है। अब यहाँ से देखो एम एम कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया, आपको क्या चाहिए यहाँ से देखो एस बी इंटू ये कितना हो जाएगा 3 होगा ना, 3 इक्वल टू ये आई थिंक 4 होगा 4 एस ए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देखो एस बी अपॉन एस ए इज इक्वल टू क्या होगा 4/3, एक इक्वेशन मालूम चल गया ठीक है। दूसरा इक्वेशन लिखो, खुद से लिखो उसी तरह सिमिलरली व्हेन बी, ये समझ में आया, एक के द्वारा हीट लॉस्ट, अब देखो यहाँ मैं साइन नहीं था इसलिए हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर लिखो, क्योंकि हम साइन नहीं कंसिडर कर रहे हैं, समझ में आया ना। ऑफकोर्स जब रिलीज हीट रिलीज होता है तो इसका मतलब क्या हुआ माइनस डेल्टा क्यू लिखते हैं, और हीट गेन का मतलब क्या होता है प्लस होता है, तो हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं ठीक है। तो सिमिलरली लिखो, जल्दी लिखो तुम लोग, बी और सी तो देखो दोनों को डिवाइड कर दो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए एंड सी मिल जाएगा, और वहां से तुमको कॉमन टेम्परेचर मिल जाएगा, जल्दी बताओ। नाउ देखो हीट अगेन कौन, हीट लॉस्ट बाई क्या होगा सी इज इक्वल टू क्या होगा हीट गेन बाई क्या होगा बी सही है। तो अगेन देखो यहां लिख रहा हूं एस सी, इस समय कॉमन टेम्परेचर कितना है 23, तो हीट लॉस्ट बाई सी तो 28 माइनस 23 इक्वल टू एस बी इंटू क्या लिखेंगे 23 माइनस 19 सही है क्या। अरे समझ में आया, अरे एम मैंने नहीं लिखा, तुम एम भी लिख सकते हो लेकिन एम मास इक्वल है तो एम एम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया क्या। तो यहाँ से कितना आएगा देखो तो एस सी इंटू आई थिंक 5 आएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से आप देख लो कि एस बी इक्वल टू क्या हो गया 5/4 एस सी ठीक है। और यहाँ से देखोगे ये इक्वेशन 1 मान लो और ये 2, तो हम एक कंसीडर कैलकुलेट कर सकते हैं एस बी इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट रखूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा एंड सेकेंड, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एस बी, अब इक्वेट कर देते हैं 4/3 एस ए इज इक्वल टू क्या होगा 5/4 एस सी, इसकी ज़रूरत होगी अपने, समझ में आया क्या, ये समझ में आ गया। अब दिया हुआ है कि ए एंड सी को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो कॉमन टेम्परेचर क्या होगा, तो टी मिक्स तो अभी फार्मूला भी हमने देखा था नहीं आता है, तो अगेन देखो ए और सी में टेम्परेचर ज़्यादा किसका है सी का है, ए का क्या है कम है, तो सी जो होगा हीट लॉस्ट करेगा हीट रिलीज करेगा, और ए जो होगा वो क्या होगा हीट गेन करेगा, समझ में आया ना। तो ये लिख लिए तुम लोग, आंसर आया क्या, कितना आया 16 है? हाँ 20 पॉइंट, गुड 20.26। अब देखो फॉर ए एंड क्या होगा फॉर ए एंड सी
ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हीट, हीट गेन बाई क्या होगा, ए विल बी इक्वल टू क्या होगा, हीट लॉस्ट बाई सी। समझ में आया क्या? तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एम एस ए, हीट गेन तो टी माइनस टी ए इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू हमने क्या लिखा, एम एस सी, ठीक है, टी सी माइनस टी, यहाँ टी मिक्स है, यही है ना, अरे यही है ना यार। तो देखो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टी एस ए प्लस क्या हो जाएगा एस सी इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, टी सी एस सी प्लस टी ए एस ए, और यहाँ से हम टी इक्वल टू लिख सकते हैं टी सी एस सी प्लस टी ए एस ए अपॉन एस ए प्लस क्या होगा, सही है क्या, यही होगा ना, अरे मास कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया, और वैल्यू रख दो, देखो वहाँ रेशियो भी यहाँ से देख लो तुम, एक किसी का वैल्यू रखो और इसको कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ मैंने कैलकुलेट कर दिया है तो नियरली 20.26 डिग्री सेल्सियस आएगा, समझ में आया ना। तो देखो हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, केवल क्या रखना है, क्यू इक्वल टू आपको क्या याद रखना है, एम एस डेल्टा टी, ठीक है। अब कुछ टर्म हम पढ़ लेते हैं फिर हम उसके बाद, लिखो मैकेनिकल जूल इक्वेलेंट, शायद बताया भी था तुम लोगों को, है ना, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर वाटर इक्वेलेंट क्या होता है, वाटर इक्वेलेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो जरूरी है तुमको न्यूमेरिकल के लिए, वो बाद में, बाद में, अभी नहीं, अभी दूसरा चैप्टर ही हम दूसरा पढ़ने लगे तो वो लास्ट में बता दूंगा, इसको पढ़ा दूँगा, ये समझ में आ गया। अब उसको उसके बाद लिखो मैकेनिकल जूल इक्वेलेंट, इसको जे से डिनोट करते हैं, मैंने कहाँ पढ़ाया था तुम लोगों को, बताया भी था जब फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ा रहा था तो याद आया वहाँ बबल को हम, ठीक है, तो लिख लो इसको, डेफिनेशन है, दूसरा कुछ उसमें नहीं है ज़्यादा, लेकिन जानना ज़रूरी है। तो हेडिंग लिखना मैकेनिकल जूल इक्विवेलेंट, इसको जे से डिनोट करते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। तो इसको क्या लिखना है, वर्क डन, जस्ट ये क्या होता है, रेशियो कन्वर्जिंग फैक्टर होता है बाद में, वर्क डन अपॉन क्या होगा, हीट रिलीज्ड, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, W अपॉन क्या होगा Q, और इन जनरल जो J का जो वैल्यू होता है, देखो ध्यान से J, देखो ये यूनिटलेस होगा, समझ में आया ना, अरे समझ में आया क्या, यूनिटलेस डायमेंशन लेस होगा, और यहाँ से J का जो वैल्यू आता है 4.2 जूल पर कैलोरी आता है, समझ में आया ना। तो देखो ध्यान से याद रखना है, यदि दोनों का यूनिट सेम है, समझ में आया क्या, तो जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ में आया ना। तो केवल जे क्या है, जे इज नथिंग बट आई मीन मैकेनिकल जूल इक्विवेलेंट इज नथिंग बट द कन्वर्जिंग फैक्टर, दूसरा कुछ नहीं है, तो ये लिख लो कि इट इज क्या होगा, कन्वर्जिंग फैक्टर, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। यही हमने वहाँ यूज किया था कि डब्ल्यू इक्वल टू के जे यूज किया था, याद आया क्या। तो यहाँ से तुम ये भी लिख लेना, वर्क डन, कभी कभी जरूरत होगा तो Q इंटू क्या हो जाएगा, ये लिख लो कि इफ W एंड Q आर इन सेम यूनिट देन J इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, देख लो तुम यहाँ से, इसलिए मैंने वैल्यू रख दिया, ठीक है। तो इफ W एंड Q आर मेजर्ड इन सेम यूनिट देन जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अदरवाइज समझ में आया ना, इसका वैल्यू कोई पूछे तो क्या होगा, इतना,
जे इक्वल टू 4.0 जूल पर कैलोरी। ठीक है, अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये उतना ये नहीं है लेकिन कभी कभी जैसे हमने देखा था कि वहाँ इसका यूज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखो वाटर इक्वेलेंट ऑफ ए बॉडी, समझ में आने, ये लिख लेना, केवल ये क्या है, कन्वर्जिंग फैक्टर है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, वाटर इक्वेलेंट ये लिख लिए तुम लोग, कुछ डेफिनेशन है वो देख लेते हैं, ये जरूरी है, अभी वाटर इक्वेलेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लो, इट इज द मास ऑफ वाटर, लिखो इट इज द मास ऑफ वाटर हुज हीट कैपेसिटी इज सेम एज हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। इट इज द मास ऑफ वाटर हुज हीट कैपेसिटी, मैं बताता हूं कि इसका यूज क्या है, समझ में आया ना, मास ऑफ वाटर हुज हीट कैपेसिटी, नॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या है, हीट कैपेसिटी इज क्या होगा, सेम एज हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वाटर इक्वेलेंट ऑफ द बॉडी। अब वाटर इक्वेलेंट ऑफ द बॉडी दिया हुआ है तो उसको यूज करके हम, कभी कभी क्या होता है, जनरली हीट कैपेसिटी ऑफ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया रहेगा आपको, उस ऑब्जेक्ट का नहीं दिया रहेगा, तो उसको यूज करके हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, समझ में आया ना। तो इस हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, यही होता है ना। तो हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, सही है क्या, और यही क्या होगा, मास ऑफ क्या होगा, बॉडी, सही है क्या, समझ में आया क्या, ये तुमको याद रखना है। इसी मास को हम, मास ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, वैसा मास ऑफ वाटर जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाए, स्पेसिफिक हीट नहीं, हीट कैपेसिटी ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम उसी मास ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, वाटर इक्वेलेंट ऑफ द क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, समझ में आया ना। तो यहाँ से देख सकते हो तुम, एस बी कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर तो ये सिंपल, इसको वाटर इक्वेलेंट भी बोल सकते हो, तो वाटर इक्वेलेंट, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना। और ये मास अब क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मालूम है तुम लोगों को, 1 कैलोरी पर ग्राम ए, समझ में आया ना, ये ध्यान रखना तुम लोग। तो देख लो यहाँ से हम कैसे सोच सकते हैं, समझ में आया क्या, ये तो 1 हो जाएगा ना, तो ये वाटर का मास मालूम हो, और ये मालूम होता आसानी से हम किसी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अभी मैं सबका स्पेसिफिक हीट बताता हूँ बाद में, थोड़ा ये लिख लो, और ये क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, समझ में आया क्या, ये जनरली 1 होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम, आइस का अलग होला, आइस का 0.5 होता है, स्टीम का 0.48 होता है, हाँ 0.48 या 0.47, तो उसकी ज़रूरत है, कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये समझ में आया, उसके बाद ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ड्यूरिंग फेज चेंज क्या होता है, थोड़ा सा लिखो, लेटेंट हीट ऑफ, नहीं सिंपल लेटेंट हीट लिख लो, ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़े भी हैं शायद, है ना,
उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं। देखो तुमको ही मालूम है लेटेंट हीट अब कब डिफाइन करते हैं, जब क्या हो रहा होगा, फेज चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो ये लिख लो, लेटेंट हीट इज डिफाइन व्हेन देयर इज ए फेज चेंज। ठीक है, और फेज चेंज ऑलवेज किस पे अकर होता है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो लेटेंट हीट जो होगा वो क्या होगा, दो तरह का हम कंसीड, क्या होगा लेटेंट हीट को हम जनरली क्या करते हैं, लिख लो क्यू इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू क्या लिखेंगे, एल, सिंपल हीट गिवन, और क्या होगा, रिलीज भी होता है, समझ में आया क्या? अरे रिलीज कब होगा और गिवन कब होगा तुमको समझ में है, जिससे सॉलिड को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो ऑफकोर्स मुझे क्या करना है, लेकिन यदि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसलिए जनरली बुक में देखना प्लस माइनस भी दिया, अच्छे बुक पढ़ोगे तो उसमें प्लस माइनस मिलेगा, लेकिन हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तुम ये कंसीडर कर लेना कि यहाँ प्लस माइनस दोनों होगा, समझ में आया ना। प्लस का मतलब क्या होगा कि हम दे रहे हैं, माइनस का मतलब क्या होगा, अरे रिवर्स प्रोसेस होता है ना यार, स्टीम से वाटर, फिर वाटर से क्या होगा, आइस, समझ में आया ना, ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब समझ में, प्लस का मतलब हीट इज बीइंग गिवन टू द सिस्टम एंड माइनस का मतलब क्या हुआ, हीट इज टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। तो क्यू क्या है, मास ऑफ द क्या है, मास, एम क्या है, सॉरी क्यू हीट आइदर गिवन और टेकन, ठीक है, मास, एम क्या है मास, एल क्या है लेटेंट हीट। ठीक है, इसका यूनिट भी तुम देख सकते हो कि यहाँ से क्या होगा, याद रखना जब भी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होगा, अभी हीटिंग कर पड़ेंगे तो वहाँ सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो ये जो लेटेंट हीट होगा वो दो तरह का होगा, ठीक है, क्या होगा बताओ तुम लोग, क्या होगा कि व्हेन, क्या होगा व्हेन आइस या सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, देन हम क्या पढ़ेंगे, देन मैं यहाँ प्लस ही लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने मेल्टिंग कंसीडर कर लिया है, तो क्या होगा देखो, एम इंटू क्या लिखेंगे, एल एफ, एल एफ का मतलब क्या हुआ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, समझ में आया ना, ये याद रखना है। जब क्या होगा, सॉलिड मेल्ट होगा तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिख लो, क्यू हीट, एम क्या है मास ऑफ द सॉलिड, और ये तुमको यदि आइस होगा तो उसके लिए वैल्यू याद रखना है, समझ में आया ना। आइस का सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये भी लिखना है, और उसका जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो 80 कैलोरी पर ग्राम, ये रट जाना है, ठीक है, रट जाना है, ठीक है इसको। तो मेल्टिंग पॉइंट ये भी लिख लेना, फॉर आइस मैं लिख रहा हूँ, फॉर आइस, ठीक है, और ये सब जो मेल्टिंग पॉइंट है देखो, ये 1 एटमोस्फियर टेम्परेचर पे सब चीज़ डिफाइन, सॉरी 1 टेम्परेचर नहीं, 1 ATM प्रेशर, तुमको ये मालूम है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर से क्या होता है, सॉरी प्रेशर से भी क्या होगा, अफेक्टेड होगा। तो अपने को उतना नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री में, तुमको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ये जो हमने डेफिनेशन अभी कंसीडर किया है, वहाँ 1 ATM कंसीडर किया है प्रेशर, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा ये याद रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो वैल्यू होगा एल एफ और क्या आइस इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, 80 कैलोरी पर ग्राम, जीएम लिख दूं चलेगा, ठीक है। और आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा इसको भी लिख लो, 0.5, ठीक है, ये भी लिख लो। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर क्या है आइस, क्या होगा 0.5, ठीक है, कैलोरी पर ग्राम। ये जो मैं यूनिट लिख रहा हूँ CGS यूनिट में लिख रहा हूँ, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, व्हेन लिक्विड स्टार्ट क्या होगा बॉइलिंग, तो व्हेन लिक्विड स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट
देन Q इक्वल टू क्या होगा एम एल वी, सही है क्या? अरे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, समझ में आया ना? तो इसके लिए हम लिखेंगे, और यहां देखो एल वी फॉर वाटर कितना होगा, नहीं वाटर क्या होगा बताओ, हाँ 540, ठीक है ये लिख लो। तो एस डब्ल्यू पहले मैं लिख लेता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है कितना होगा 1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। और एल वी का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है 540 समझ में आया ना। और स्टीम के लिए लिख लो तुम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू लिख लो, ठीक है स्टीम। इसके लिए स्टीम के लिए लिख लो एस स्टीम भी इक्वल टू क्या होगा 0.48 कैलोरी पर ग्राम। ये आपको याद रखना है, या कभी कभी दिया भी रहेगा लेकिन जनरली याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हीटिंग कर्व हम पढ़ेंगे यहाँ से, देखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीटिंग कर्व में क्या पढ़ना है कि मान लो कि सॉलिड है, तो जैसे हम आइस का एग्जांपल ले लें, आइस का आपको भी क्या है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यदि 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे आइस है तो आप क्या करोगे, पहले आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे, तो पहले आइस को गर्म होने में क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट तक आने में कुछ हीट देना पड़ेगा। उसके बाद ये जो हीट होता है वो क्या यहाँ टेम्परेचर क्या होगा चेंज होता रहेगा, जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पे चला जाएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, समझ में आया ना। उसके बाद आइस क्या होगा मेल्ट होना क्या होगा शुरू हो जाएगा, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया। फिर जैसे ही आइस कम्प्लीटली वाटर में मेल्ट हो जाएगा तो फिर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है यार 100 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको हीट देना पड़ेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक जब तक वाटर आएगा उसका टेम्परेचर नहीं होगा तब तक वो बॉयल होना शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ड्यूरिंग क्या होगा हीटिंग ऑफ वाटर क्या हो जाएगा टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस तो उसके बाद फिर टेम्परेचर क्या होगा, तो वहाँ क्या होगा जो वहाँ जो वाटर का फेज होगा वो स्टीम और क्या होगा वाटर दोनों होगा, समझ में आया ना। जब क्या हो जाएगा वाटर कम्प्लीटली क्या हो जाएगा बॉइल हो जाएगा तो स्टीम में या गैस में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है, समझ में आया ना। तो ये तुमको इतना सिचुएशन ऐसे ग्राफ, तो तुमसे ये पूछा जाए कभी कि इतना ग्राम आइस है उसको आपको वाटर में इतने डिग्री पे कन्वर्ट करने के लिए कितने हीट की ज़रूरत होगी, तो इस टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। पहले हम हीटिंग कर्व पढ़ लेते हैं और इस ग्राफ से तुमको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, समझ में आया ना। हीटिंग के लिए क्या करना है, क्योंकि अभी तक हम जो चीज़ पढ़ रहे थे उसमें फेज चेंज हमने नहीं कंसीडर किया था, समझ में आया ना। क्योंकि Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी तभी यूज करेंगे जब टेम्परेचर क्या हो रहा हो चेंज हो रहा हो, और ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, उस सिचुएशन में हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब लिखना हीटिंग कर्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम आइस को ही कंसीडर कर लेते हैं, समझ में आया ना। सॉलिड जनरली मैं ये कंसीडर कर ले रहा हूं आइस, ठीक है। अब यहाँ ये याद रखना है हीट जो है वो कांस्टेंट रेट से क्या किया जा रहा है सप्लाई किया जाएगा, समझ में आना। हमने माना कि रेट एट विच हीट इज बीइंग गिवन इज ऑलवेज कांस्टेंट, पावर जो होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा, समझ में आना। हीट अपॉन टाइम क्या होता है पावर होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज याद रखना है, हीट इज क्या होगा गिवन एट कॉन्स्टेंट रेट, देखो ध्यान से, क्या होगा dQ अपॉन dT इज इक्वल टू P इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट। अरे समझ में आया ये, तो यहां से देखो dQ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अरे P इंटू क्या लिखेंगे, P तो कॉन्स्टेंट ही है, ये याद रखना है,
इसकी जरूरत है। अभी हम ऐसे बोलोगे सर आपने क्यों बताया, तो इसकी जरूरत है, इसी से हम ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे। समझ में आया ना कि हम हीट जो दे रहे हैं वो क्या है, कॉन्स्टेंट रेट से दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अभी कुछ अलग रेट से दिया थोड़े टाइम के बाद अलग, तो फिर ये रिजल्ट हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो यूज नहीं कर सकते। तो हमने आइस कंसीडर किया, तो आइस को जनरली हम उसका देख यहाँ क्या हीटिंग कर्व में क्या होगा, देखो ध्यान से, टेम्परेचर वर्सेस हम टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ हीट हम क्या करते हैं, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कि जब आप किसी भी सॉलिड को हीट दे रहे हो तो उसका टेम्परेचर टाइम के साथ जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। समझ में आया ना, तो यहाँ हमने पहले हम क्या कंसीडर कर लेंगे, टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद यहाँ हम टाइम कंसीडर कर लेते हैं। अब हमने आइस कंसीडर किया, तो आइस जनरली हम 20 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको ये हीट देते हैं, तो जनरली देखो यहाँ मैंने ये कंसीडर कर लिया कि माइनस 20 डिग्री सेल्सियस है, हमने ऐसा मान लिया जनरली, ठीक है। इसका बॉइलिंग सॉरी मेल्टिंग पॉइंट कितना है आइस का, 0 डिग्री सेल्सियस, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, सही है। और इधर कहीं क्या होगा, टी मेल्टिंग हो गया, और क्या हो गया, समझ में आया क्या, अरे ऐसे ही होगा ना। अब मैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर दूं या पहले यहाँ से, यही से हम देख लेते हैं, ठीक है। अब ये तुम बताओ, यहाँ से मैं लिखता हूँ, यहाँ से डी को इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताना, थोड़ा सा एम एस डेल्टा टी लिख रह सकते हैं जब फेज चेंज नहीं हो रहा है, लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम एस, ठीक है, डी टी, सही है क्या। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी डी टी, सही है। अब यहाँ से तुम ये भी देख लो कि डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन क्या हो जाएगा, एम एस स्क्वायर, समझ में आया क्या। तो यहाँ से तुम, अब तुम बताना, यहाँ से हम देख सकते हैं यदि ये सब कांस्टेंट है ये क्या होगा, लीनियर ग्राफ होगा क्या, अरे ग्राफ लीनियर होगा, समझ में आया ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से यहाँ तक ये किसके लिए, देखो जब तक मेल्ट होकर मेल्टिंग पॉइंट तक आइस जा रहा है उस समय जो उसका ग्राफ होगा कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा क्या, ऐसे ऐसे ही होगा, अरे समझ में आया क्या, यहाँ क्या हो रहा है, आइस क्या हो रहा है, आइस इज बीइंग, समझ में आया क्या, अरे समझ में आया। अब यहाँ से तुम बता सकते हो स्लोप से, देखो यहाँ से डी टी वर्सेस टी है तो देख रहे हो ये क्या होगा, दिस विल बी स्लोप, अरे स्लोप होगा क्या, तो रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप से क्या मिल जाएगा रफली, या स्लोप से क्या मिलेगा, पी अपॉन क्या मिल जाएगा, समझ में आया ना, ये याद रखना है, पी का मतलब क्या हुआ, पावर अपॉन मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, स्लोप लिख दूँ चलेगा, ठीक है। अब यहाँ आइस मेल्ट हो गया, यहाँ आइस यहाँ से हमने हीट किया उसको, उसका टेम्परेचर माइनस 20 डिग्री सेल्सियस से कहाँ आ गया, 0 डिग्री, यहाँ आइस क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, समझ में आया ना। और जब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो देखो आप यहाँ कुछ हीट दोगे, इसको मैं Q1 मान लेता हूँ, समझ में आया ना, ऐसे समझ में आया ना, हमने मान लिया Q1। उसके बाद अब जब आइस मेल्ट होना शुरू होगा तो क्या होगा बताओ, ऐसा तो नहीं है ना कि कम्प्लीटली आइस सडनली मेल्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना यार, कुछ तो टाइम लगेगा। तो यहाँ देखोगे यहाँ कुछ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यहाँ इस सिचुएशन में इस पॉइंट पे यहाँ देखोगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा तुम्हारा जो इस यहाँ ड्यूरिंग दिस पेज क्या होगा, आइस जो होगा उसमें क्या होगा, लिक्विड भी होगा और कुछ आइस भी होगा, सही बोल रहा हूँ, अरे क्यों, क्योंकि यहाँ मेल्ट होना शुरू हुआ, समझ में आया ना, और अभी मेल्ट नहीं हुआ है कम्प्लीटली। तो यहाँ आपसे कोई पूछे कि आइस जो है यहाँ क्या है, सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज में है, समझ में आया ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इस क्या होगा, सॉलिड प्लस क्या हो जाएगा, लिक्विड फेज, समझ में आया ना। यहाँ ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, यदि मैं T1 टाइम रख लूँ और ये T2 टाइम, अभी बताऊँगा कि ये टाइम से भी हम कैसे कोरिलेट करें, समझ में आया क्या, ये समझ में आ गया। अब इसके लिए यदि मैं लिखूँ, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है, तो फॉर फेज चेंज हम क्या लिख सकते हैं, फिर ग्राफ इधर आएंगे, देखो इधर मैं लिख देता हूँ, फिर मैं बताऊँ, फॉर
या ड्यूरिंग फेज चेंज बताना, ड्यूरिंग अभी मैंने बताया था, ड्यूरिंग फेज चेंज हम क्या लिखेंगे, क्यू आई मीन डी क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम इंटू क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। अरे सही है क्या, सही है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब यहां से तुम देखो ध्यान से, डी क्यू के जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो इधर ध्यान से, अरे ये तो हम किसी के लिए यूज कर सकते हैं ना, ये वाला हम केवल फेज चेंज होगा, डी क्यू इक्वल टू पी डी टी तो हम किसी के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहां आप देखना कि पी डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू क्या हो जाएगा, बाहर जा रहा है क्या, चलो पहले एक ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूं फिर तुम लोगों को बता देता हूं। अभी देखना ठीक है, ए ए बी सी डी ई, समझ में आया क्या, फिर मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, यहां क्या होगा, देखो यहां वाटर इज क्या होगा, बीइंग हीटेड ठीक है, और यहां अगेन क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग दिस, यहां क्या हो रहा है, आई मीन वाटर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू क्या होगा, गैस, समझ में आया क्या, अरे सही है। लेकिन यहां से याद रखना कि ड्यूरिंग दिस यहां क्या होगा, वाटर, यहां कोई पूछे कि ड्यूरिंग दिस टू दिस, इस रेंज में, इस टाइम इंटरवल में आपसे पूछा जाए तो वाटर क्या है, आई मीन लिक्विड फेज में भी है और क्या है, गैस फेज में भी है, यहां वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली गैस में, समझ में आया ना। फिर उसके बाद हम उसको हीट करेंगे, उसके बाद ज्यादा अपने को नहीं पढ़ना है। इधर थोड़ा सा और एक ग्राफ थोड़ा और बड़ा कर लो ठीक है। तो देखो एक क्या हुआ, टी वन टी टू T3, T4, ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस, उसके बाद ये लिख लेना, मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होगा। ये देखो मैंने ये लेंथ जो है वो क्या है, थोड़ा बड़ा दिखाया है, समझ में आया क्या, ये दिख रहा है ना, ये लेंथ यहाँ देख सकते हो, वही मैं बता रहा था अभी, तब तक तुम लोगों ने बोला कि जगह नहीं है उधर, आई मीन दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि L जो होगा, सिंपल याद रखना है कि लेटेंट हीट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाइम इंटरवल, आई मीन लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, समझ में आया ना। तो अभी हमने पढ़ा था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, कम होता है यार, इसलिए हमने उसको छोटा लाइन से दिखाया। और यहाँ हमने क्या बताया कि लेटेंट हीट ऑफ क्या है, वेपराइजेशन है, और वो जो होता है वो कितना होता है, ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने इसको बड़े लाइन से दिखाया, समझ में आया ना। स्लोप को भी तुमको रिलेट कर सकते हो, समझ में आया ना, कि किसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका क्या होगा, कम होगा, समझ में आया क्या। तो यहां से क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, किसी किसी बुक में देखना, ये इसको ओरिजिन नहीं माना, इधर ये डॉ, तो ये टेंशन मत लेना, समझ में आया ना। हमने आइस कंसीडर कर लिया, हमने इसलिए आइस लिया है, जनरल आप लिखोगे तो मेथड यही है, समझ में आया ना, ग्राफ यही होगा, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, समझ में आया ना, ये ध्यान रखना है। तो देखो मैं ये बता रहा था, ये समझ में आया ना। तो देखो तुमको क्या, यदि मैं अब लिखूं, एक क्यूवन लिखा, यहाँ मैं सब लिख देता हूँ अलग अलग, यहाँ क्या हो जाएगा, इस ड्यूरिंग दिस टाइम एक क्यू टू हो जाएगा ठीक है, तो क्यू टू इक्वल टू क्या लिखेंगे, अरे बताओ तुम लोग, क्यू वन इक्वल टू यदि मुझे लिखना है ऐसे, इधर दिख रहा है ना, सही है, इधर इधर दिख रहा है ऊपर, देखो क्यू वन इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू वन इक्वल टू एम मास ऑफ, यहाँ मैंने आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू सिंपल, यहाँ जो टेम्परेचर दिया होगा, आई मीन मैं ये लिख देता हूँ जीरो माइनस टी, समझ में आया ना, ये समझ में आया क्या, ये दिया होगा हमने, यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया, जरूरी नहीं है कि 20 डिग्री हो, माइनस 10 डिग्री भी हो सकता है, माइनस 5 भी हो सकता है, मैंने ऐसा मान लिया, समझ में आया ना, इसलिए मैंने ये लिखा। Q2 लिखना होगा तो क्या लिखोगे तुम लोग बताना, Q2 इसके लिए क्या लिखोगे, अरे Q2 इक्वल टू क्या लिखोगे, मास ऑफ आइस इंटू क्या लिखोगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, सही है क्या,
अरे समझ में आया, Q3 लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे बताओ, एक Q3 हो गया, Q3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, अरे Q3 इक्वल टू वॉल्यूम पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है, तो m मास, अब क्या हो जाएगा, वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू क्या लिखेंगे, TB माइनस क्या लिखेंगे, TM, TB का मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर, TM का मतलब क्या हो, मेल्टिंग टेम्परेचर, ये जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे टोटल हीट कैलकुलेट करेंगे, बाद में सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल हीट मिल जाएगा, तो बाद में ये नहीं बताऊँगा, अभी देख लो तुम लोग, ठीक है। अब यहाँ मान लो कि ड्यूरिंग दिस टाइम Q4, तो यहाँ क्या लिखोगे, देखो तो Q4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये दिख रहा है कि नहीं, Q4 इक्वल टू मास ऑफ क्या होगा, वाटर इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजर, और यहाँ क्या हो जाएगा, वाटर जो होगा स्टीम में क्या होगा, समझ में आया क्या, तो इसके बाद यदि कुछ Q5 भी दिया जा रहा है तो अगेन क्या लिखेंगे बताओ, Q5 विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास ऑफ स्टीम, अरे सही है, इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इंटू क्या लिखेंगे, कुछ टेम्परेचर होगा उधर, मान लो कि हमने ये मान लिया कि कुछ टेम्परेचर हमने मान लिया, ठीक है, तो वहाँ क्या लिखेंगे, देखो टी माइनस क्या लिखेंगे, टी, समझ में आया ना, और टोटल हीट कोई आपसे पूछे कि कुछ अमाउंट ऑफ आइस को टी डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितने हीट देने की जरूरत पड़ी, तो ये टोटल हीट देना पड़ेगा, समझ में आया ना, ये सब ऐड करेंगे क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, ठीक है, तो ये लिख लेना अभी, पहले रुक जाओ थोड़ा सा, मैं ये बता दूँ कि लेटेंट हीट, ये समझ में आया तुम लोगों को कि लेटेंट हीट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, ये लिख लिए तुम लोग, तो ये लिख लेना कि स्लोप जो होगा वो क्या होगा, स्लोप से क्या मिलेगा, सिंपल स्लोप से क्या मिलेगा, पावर अपॉन क्या होगा, ms, या सिंपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल, स्लोप ऑफ रेसिप्रोकल विल बी क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, समझ में आया ना, ठीक है। अब ड्यूरिंग फेज चेंज मैंने लिखा था उधर, तब तक फिर इस पे हम न्यूमेरिकल्स, तो ये लिख लो पहले, ड्यूरिंग फेज चेंज हमने लिखा था तो हमने ये पढ़ा था कि क्या Q इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू ml, सही है, समझ में आया ना, या DQ या डेल्टा Q भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा Q इक्वल टू ml, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q के जगह अभी मैंने बताया था क्या लिखेंगे, P dT, समझ में आया ना, इक्वल टू m इंटू क्या होगा l, और dT क्या है, देखो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, l ई विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डेल्टा T भी लिख सकते हैं क्या, अरे समझ में आया, dT लिखो, डेल्टा T, कोई डेल्टा T क्या है, समझ में आया क्या, देखो तो डेल्टा T का मतलब क्या होगा, डेल्टा T का मतलब क्या होगा, समझ में आया ना, तो क्या होगा, डेल्टा T आई मीन लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन विल रिप्रेजेंट, आई मीन लेटेंट हीट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्रेटर द क्या होगा, लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्रेटर विल बी क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ क्या होगा, फ्यूजन या वेपराइजेशन एंड वाइस वर्सा, समझ में आया क्या, तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, समझ में आया क्या, तो अभी यहाँ नोट में क्या लिखना है, कहीं भी तुमसे कुछ भी पूछा जाए इससे अभी न्यूमेरिकल हम देखेंगे कि हेंस द क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू क्या होगा स्टीम, उसको लिख लेते हैं ना, तो टोटल हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इंटू क्या होगा स्टीम इज इक्वल टू, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्यू टी इक्वल टू क्या होगा, ये दिख नहीं रहा, क्यू टी सब हीट को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, इधर लिख देते हैं, देखो तो क्यू टी इक्वल टू क्या होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है, प्लस Q4 प्लस Q5। अब इस पे एक देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से यार,
यदि आइस को आइस कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो रहा है, समझ में आया ना, कम्प्लीटली आइस मेल्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ कोई पूछे, जैसे मान लो कि हमने आइस और वाटर को मिक्स किया, और हो सकता है कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा आइस का कम है, तो वाटर जितना हीट रिलीज किया उतना हीट, अभी जो हीट रिक्वायर्ड चाहिए आइस को मेल्ट होने के लिए क्या है, उससे कम है। उस सिचुएशन में आइस जो होगा वो कम्प्लीटली मेल्ट नहीं होगा। जब कम्प्लीटली मेल्ट नहीं होता है तो जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा क्या, समझ में आया ना। उसी तरह क्या होगा ये समझना है। अभी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा कि यदि तुम वैसे कैलकुलेट कर रहे हो तो कुछ अलग आंसर आएगा, लेकिन यदि तुम ऐसे सोचोगे तो तुम्हारा अलग आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ देखो उसी तरह यदि वाटर और स्टीम को क्या कर रहे हो, तुम मिक्स कर रहे हो, तो उसमें ये देखना है कि यदि क्या होगा, ये दोनों सेम फेज में होंगे, समझ में आया ना, आई मीन इस सिचुएशन में होंगे, तो यहाँ जो टेम्परेचर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होगा, ये याद रखना है। यदि अरे यहाँ देख रहे हो ना, वाटर क्या है, गैस और क्या है, आई मीन स्टीम और क्या है, वाटर में है, कम्प्लीटली स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुआ है, समझ में आया ना, ये तुमको ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन लिखो, देखो फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। टू स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। सही है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, समझ में आया ना। अभी ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया है यहाँ, इससे अलग कुछ नहीं, और जो एक्सेप्शनल है वो मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा तुमको, ठीक है, तुम बताओ मुझे ये समझ में आया क्या। देखो ये ग्राफ ड्रॉ करते जाओगे, देखो अपना कहाँ तक आपको अपने को जाना है, हमने मास कितना लिया आइस का, 10 ग्राम, कहाँ तक जाना है, देखो हीटिंग कर्व देख लो, कहाँ तक, यहाँ तक आना है, यही स्टीम है ना यार, तो ये टेम्परेचर कितना हो गया, 120 डिग्री। ये टीबी दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, और ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपको -20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। दौड़ते दौड़ते चले जाओ वहाँ, जैसे अभी देखो ये कैलकुलेट करो और आंसर बताओ। पहले आइस क्या होगा, हीट होगा, ठीक है, तो लिखते जाओ, हीट रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग द आइस, ठीक है, तो Q1 इक्वल टू कितना होगा, अरे बताओ तुम लोग, Q1 इक्वल टू कितना होगा, मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी क्या लिखा है, 0 - -20, सही है। देखो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, ये मास ऑफ आइस कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस बताया था 0.5, अभी बताया था ना, अरे बताया था, तो 1/2 इंटू ये कितना होगा, 20, ठीक है, तो 100, ये जो वैल्यू आएगा कैलोरी में आएगा, समझ में आया क्या, ठीक है। तो इतना हीट चाहिए अपने को क्या, आइस को केवल हीट करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट तक लाने के लिए। अब उसके बाद क्या है, Q2 क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस कितना होगा बताओ, अगेन क्या लिखेंगे, मास ऑफ आइस इंटू LF, सही है, मास ऑफ आइस कितना है, 10 ग्राम इंटू LF कितना है, 80 कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम, लिखते जाना यूनिट, ठीक है, इधर भी लिखे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 800 कैलोरी, समझ में आया, अरे समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब आइस कम्प्लीटली, अब यहाँ क्या हो गया, इतने हीट चाहिए आइस को क्या करने के लिए, कम्प्लीटली वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, समझ में आया ना। अभी भी क्या है, वाटर जो है क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, अब वो बॉयल कब होगा, जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हम उसके टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगला क्या होगा पॉइंट,
हीटिंग ऑफ Q3 बताओ क्या लिखा है, मास ऑफ, अरे इतने ही ग्राम वाटर कन्वर्ट आइस कन्वर्ट हुआ है ना, तो मास ऑफ आइस लिखे या वाटर लिखे चलेगा ना, कुछ डाउट नहीं है ना तुम लोगों को। तो मास ऑफ आइस इंटू SW इंटू क्या लिखेंगे, 100 डायरेक्ट लिख दें चलेगा, अरे समझ में आया ना। तो देखो Q3 इज इक्वल टू मास ऑफ आइस 10 इंटू ये कितना होगा 1 × 100, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, अभी क्या हुआ, इतने हीट की जरूरत होगी वाटर को क्या करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट तक, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट तक लाने के लिए। अब यहाँ से वाटर क्या होगा, बॉइल होना शुरू हो जाएगा, तो Q4 क्या लिखेंगे, वाटर को बॉइल करने के लिए कितना चाहिए बताओ, 10 × डायरेक्ट लिख दें LV, सही है, तो ये कितना होगा 10 × 540, आई मीन कितना होगा, सही है, कैलोरी। एक और हीट की जरूरत होगी क्या, अब उस पर स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए Q5, तो Q5 कितना होगा बता सकते हो तुम लोग, कितना आया, तो टोटल बता दो, टोटल Q5 समझ में आया ना, Q5 कैसे कैलकुलेट करेंगे, अरे इस पर जा करके प्रैक्टिस करना तुम लोग। Q5 इक्वल टू क्या होगा, M × इसका वैल्यू 0.48 दिया हुआ है × 20, यही होगा ना, समझ में आया ना, और ये कितना है 10 है तो 96 आएगा, सही है क्या, टोटल को ऐड करके देख लो कि कितना आएगा, समझ में आया क्या, अरे ये समझ में आया। अब अभी हम ये देखेंगे कि नहीं आइस कम्प्लीटली मेल्ट भी नहीं हो रहा है, तो उस टाइप का प्रॉब्लम क्या है, तो उसको लिखो, ये लिख लिया तुम लोग, समझ में आया क्या, ऐसे जब भी तुमको हीटिंग कर्व दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, तो यदि आपको मालूम है तो आप देख सकते हो कि मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल बोलता हूँ, उसको लिखो और फिर मैं बताता हूँ। है वॉइस, अभी कुछ ग्राफ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम बताता हूँ तुमको। अरे 120 माइनस 100 Q = MS ΔT लिखेंगे ना, अरे 120 डिग्री पे कन्वर्ट करना है ना, उसको दिया हुआ है वो, हाँ देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सोच करके, चलो पहले थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, ठीक हो, ठीक है, देखो हाउ मेनी ग्राम ऑफ आइस, अभी टाइम है ना 9:30 तक है ना अपना, ठीक है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ आइस, जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपके दिमाग में समझ में आया ना, एक कर्व आ जाना चाहिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ आइस एट −14 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया ना, −14 डिग्री सेल्सियस, देखो यहाँ −14 दिया हुआ है, 14 हमने 20 कंसिडर किया था, कभी −10 भी हमने देखा, तो कुछ भी दिया रहेगा लेकिन निगेटिव में ही दिया रहेगा, ठीक है, इज नीडेड टू कूल 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया ना, कैसे सोचोगे, ये समझ में आया, देखो कहाँ है, सुनो ध्यान से, वाटर कहाँ है, इधर है कहीं, इधर ही है ना, इधर इतने डिग्री सेल्सियस पे, और आइस कहीं इतने डिग्री सेल्सियस पे है, इधर इधर, तो ये 25 से कहाँ आना है उसको, इसका मतलब क्या होगा, समझ में आया ना, आइस को भी कहाँ जाना पड़ेगा,
अरे टेम पहले तुम मुझे, चलो अलग अलग हम कैलकुलेट करते हैं फिर हम देखते हैं, तुम मुझे बताओ कि आइस को कम्प्लीटली मेल्ट होने के लिए कितना, पहले ये दूसरे पहले कैलकुलेट करो कि हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द क्या होगा कूलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, यही है ना, कितना हीट रिलीज हो रहा है ये बताना मुझे। अरे समझ में आया क्या? देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो कौन सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है, 1 है, ठीक है। कितना आया, अरे बताओ जल्दी, हीट रिलीज्ड बाय वाटर कितना आया, इक्वल टू हम क्या लिखेंगे इसको, Q मान ले Q1, तो एम एस डेल्टा टी, और कितना लिखें बताओ, ये कितना मास, मास भी दिया हुआ है ना, तो 2 इंटू डेल्टा टी कितना है, 15 है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझ में आया ना, सही है, कितने कैलोरी, ये हो गया। अब तुम मुझे बताओ कि वाटर को कम्प्लीटली मेल्ट होने के हीट अपने पास अवेलेबल कितना है, अरे इतना है ना यार, समझ में आया ना। अब ये देखो कि वाटर को मेल्ट होने के लिए कम्प्लीट, सॉरी वाटर को नहीं, आइस को कम्प्लीटली मेल्ट होने के लिए कितना हीट की जरूरत है, कम्प्लीटली मेल्ट समझ में आया ना क्या होगा, देखो ध्यान से, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट होल वाटर होल आइस सॉरी इक्वल टू क्या होगा बता सकते हो, देखो तो एक तो मैं लिखूंगा, देखो तो यहाँ लिखूँ Q2 प्लस Q3 लिखें चलेगा क्या, अरे Q2 प्लस Q3 चलेगा क्या, अरे ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया तुम लोगों को, Q2 कितना होगा बता सकते हो, यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ नहीं 14 टू मैंने मास मान लिया, मास कितना है वही कैलकुलेट करना है, तो हमने m मान लिया तो m इंटू क्या लिखेंगे बताना, ये 14 डिग्री है ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो m इंटू 0 माइनस ऑफ माइनस 14 ठीक है, प्लस यहाँ मास इंटू क्या लिखेंगे lf, सही है क्या, अरे ये समझ में आया, तभी तो ये मेल्ट होगा ना यार, ठीक है, तो ये कितना आएगा बताओ, KT और ये कितना हो जाएगा, अरे बताओ कितना हुआ, ये 80 होगा ना यार, और ये 14 18 और 14 कितना हो जाएगा 90, समझ में आया क्या। अब यहाँ से मुझे जाना कहाँ है, 0 डिग्री से कहाँ जाना है, अरे दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे ना यार टेम्परेचर, तो टीमिक से यहाँ क्या दिया हुआ है अपने को इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अरे 10 डिग्री 10 या कितना है, अच्छा हाँ सही बोला तुमने, सॉरी मैंने, हाँ ये m इंटू 0.5 है, ये कितना होगा, कितना आया है, 87 आया क्या, ठीक है गुड। उसके बाद मुझे इसको कहाँ तक ले जाना है, 10 डिग्री, अब क्या लिखें बताओ, Q4 कितना होगा बताओ, अरे ये जितना हीट चाहिए और ये रिलीज हुआ इक्विट कर देंगे आ जाएगा आंसर, समझ में आया क्या, Q4 कितना है, Q4 इक्वल टू अब देखो मास ठीक है इनटू क्या लिखेंगे स्पेसिफिक हीट, 1 ही होगा ना, अरे अभी ये वाटर में कन्वर्ट हो गया है, इंटू यहाँ क्या लिखें 10 लिख दें चलेगा क्या, या 10 माइनस 0 लिख देता हूँ, ये समझ में आया, अरे एम एस डेल्टा टी होगा ना, इनिशियल टेम्परेचर क्या है 0 और अपने को लाना कितने, ठीक है ये कितना हो जाएगा Q4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 m। अब आइस को 10 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करने के लिए अपने को हीट कितनी, हीट की रिक्वायरमेंट कितनी है, Q2 प्लस Q3 प्लस Q1
Q4, समझ में आया ना? तो Q यहाँ टोटल जो होगा, Q गेन मैं लिख देता हूँ, Q गेन विल बी इक्वल टू क्या होगा, Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और ये कितना होगा, आई थिंक 97 M हो जाएगा, समझ में आया ना? ठीक है, रही होगा ना? अब यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लिख सकते हैं, हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू क्या होगा, हीट गेन, और फिर M का वैल्यू बताओ, 30, हाँ ठीक है 96, तो उसको 31 नियरली लिख सकते हैं, समझ में आया ना? अरे समझ में आया क्या? तो M जो यहाँ से अपने को मिला नियरली कितना होगा, 31, एक और क्वेश्चन है जिसमें उसके बाद ग्राफ से भी रिलेटेड ये क्वेश्चन बताता हूँ, लिख लो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है, लिखो 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 5 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस भी आ गया है, आर मिक्स्ड टुगेदर इनटू एक कैलोरी मीटर फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ठीक है, और सब बताने की जरूरत नहीं है। अब तुम यदि तुम हम ये क्या किए हैं, हम यदि याद किए हैं कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, तो तुम लोग रॉन्ग मेथड से पहले आंसर बताओ कितना आ रहा है, लिखो रॉन्ग मेथड, अरे अभी हमने पढ़ा ना हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, अभी पढ़े थे ना, तो देखो क्या आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ कि हम गलत क्या कर रहे हैं, समझ में आया ना? फिर राइट मेथड लिखो, रॉन्ग मेथड, पाटिल किधर है, अरे हो तुम, लिखो रॉन्ग मेथड, अरे हीट लॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, वैष्णवी का पेन सांबला का है अरे तुम लोग जैसा जानते हो है ना, अरे कॉमन टेम्परेचर क्या मान लो, टी मान लो, कि राइट मेथड ही सॉल्व कर ले, रॉन्ग मेथड नहीं है ना, छोड़ जाने दो, रॉन्ग मेथड नहीं, वैसे करोगे तो टेम्परेचर जो होगा निगेटिव आ जाएगा, समझ में आया ना, और निगेटिव भी ज़्यादा निगेटिव आएगा, -17 डिग्री सेल्सियस कुछ आएगा, और लोअर टेम्परेचर कितना है, कितना है, -20 है ना यार, अभी ये बताना, देखो अब इसमें इसको हम ऐसे सोचते हैं, पहले ये चेक करते हैं कि क्या आइस कम्प्लीटली मेल्ट हो रहा है क्या, यदि आइस कम्प्लीटली मेल्ट ही नहीं हो रहा है तो टीमिक्स तो 0 डिग्री सेल्सियस बिना कैलकुलेशन का ही लिख सकते हैं, सही मैंने अभी बताया तो तुम लोगों को, समझ में आया ना? तो पहले ये लिखो कि हाँ क्या लिखना है क्वेश्चन में, क्या दे लिखो कि आइस को कम्प्लीटली मेल्ट होने के लिए कितने हीट की जरूरत है, लिखना, लिखो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस कम्प्लीटली, कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो इसको हीट गेन लिख दें क्या, चलेगा, अरे सही है ना, तो इसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ क्यू गेन इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, मास ऑफ आइस इंटू एस आइस इंटू डेल्टा टी प्लस मास आइस इंटू क्या होगा एल एफ, सही है क्या, अरे सही है, यही होगा ना कम्प्लीटली मेल्ट होने के लिए, बताना कितना है इसका, कैलकुलेट करो इसको, और हीट अपने को आइस को सॉरी वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आने में कितना हीट रिलीज करना पड़ रहा है वो भी तुम कैलकुलेट करो, ये जल्दी बताओ,
मास ऑफ आइस दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया ना, जल्दी बताओ। और उसके बाद लिख लो हीट रिलीज्ड कितना आया, और 50। ठीक है, वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में, कूल होने में, समझ में आया ना। देखो तो कितना हीट रिलीज हो रहा है, टू थाउजेंड, सही है ना। ठीक है, तो क्या हम क्या ये कर रहे हैं बताओ, इसका मतलब क्या है, कम्प्लीटली आइस जो है वो क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, सॉरी आइस जो होगा कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा क्या, वही वाटर में कन्वर्ट होगा क्या। देखो इसको कम्प्लीटली मेल्ट होने के लिए कितना चाहिए, और हीट अवेलेबल अपने पास कितना है, इससे कम है ना यार। अरे जो हीट रिलीज हो रहा है वही इसको मिलेगा ना, हीट रिलीज कितना कैलकुलेट किए तुम लोग। अरे काय रे बाबा काय, हीट रिलीज लिखो रे, क्यू लॉस्ट कितना होगा, अरे वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे है बताओ, क्वेश्चंस बोलो ना इसमें, 30 से कितने जीरो पे आना है ना अपने को। अरे समझ में आया क्या, सही है। मास कितना दिया हुआ है, तो दिख रहा है क्या तुम लोग को, ये तो अंधा भी होगा तो दिखेगा यार। अरे हीट इतना वो रिलीज कर रहा है, ठीक है, और इतना चाहिए तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसमें तुम ध्यान से देखना, 50 कैलोरी तो केवल उसको हीट होने में लग जाएगा आई थिंक। इसको अलग अलग डिवाइड करो तुम, अरे अलग अलग ऐड करो, तो 400 क्या होना चाहिए उसको, कम्प्लीटली मेल्ट होने के लिए चाहिए, लेकिन अपने पास हीट तो क्या है। अरे समझ में आया ना, यहाँ क्या है, हीट क्या होगा रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस कम्प्लीटली इज क्या होगा, ग्रेटर देन क्या है, हीट अवेलेबल, देयर फोर आइस विल नॉट मेल्ट कम्प्लीटली। तो सिंपल हम ये पूछेंगे, अब यहाँ ये तो सिंपल हमने पूछ लिया कि टी मिक्स कितना होगा, लेकिन और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि यदि आइस कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हुआ तो कितना ग्राम आइस जो है वो बचा रह गया, अरे पूछा जा सकता है ना यार। तो ये कौन कैलकुलेट करेगा, मैं कैलकुलेट करो तुम लोग, पहले ये लिख लो इम्पोर्टेंट, ठीक है, नहीं तो लिखो इसको, पहले क्या लिख लो, यहाँ लिखो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस कंप्लीटली इज ग्रेटर देन हीट अवेलेबल, समझ में आया ना, हीट अवेलेबल, अरे समझ में आया तुम लोगों को, देयरफोर होल आइस विल नॉट कंप्लीटली मेल्ट या आइस विल नॉट कंप्लीटली मेल्ट, समझ में आया। तो आइस जब मेल्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब समझ में आया ना, टेम्परेचर क्या होगा, टीमिक्स डायरेक्ट 0 डिग्री सेल्सियस लिख दें क्या, अरे चलेगा, समझ में आया ना तुम लोगों को, नहीं समझ में आया, अरे हीटिंग कर पढ़ाया था ना रे काय रे बाबा, जब दोनों ये अभी पढ़ाया था ना, ये वाला सिचुएशन, यहाँ टीमिक्स कितना होगा, यहाँ इस सिचुएशन में यही होगा ना, समझ में आया ना, तो डायरेक्ट लिख लो टीमिक्स कितना हो गया। अब ये बताना है इस क्वेश्चन में, मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड द मास ऑफ आइस लेफ्ट, समझ में आया ना, या ये भी पूछा जा सकता है कितना वाटर बना,
टोटल वाटर का मास भी बताओ, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इनिशियल मास ऑफ वाटर प्लस क्या लिखोगे, अभी जो आइस मेल्ट हुआ उसका मास, वही होगा ना टोटल मास ऑफ वाटर। ठीक है, अभी समझ में आया क्या? टी मिक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फाइंड द मास ऑफ क्या होगा? आइस लेफ्ट 3 पॉइंट। कैसे कैसे कैलकुलेट कर ले, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। ये बाउंस चला गया, बाउंस बाउंस। अरे नहीं एक्स, हाँ बोलो पाटिल बोलो, कैसे एक्सप्लेन किए? हाँ हमने वेरिएबल मान लिया, आपने बोला और मैंने मान लिया। अरे सही तो है यार, मान लिया हमने। तुम लोग समझ समझे क्या, कैसे कैलकुलेट करना है? अच्छा 150 से इक्वेट किया है ना, सही किया होगा फिर तो, है ना? हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो, थोड़ा मास घटा करके बोलोगे तो क्लियर समझ में आएगा ना फिर हम। आइस इसको दो ऐसे भी दो तरह से सोच सकते थे कि देखो कि जैसे उसने किया कि इतना हीट अवेलेबल है तो उसके कोरस्पॉन्डेंस, लेकिन तूने मास कैसे लिखा ये बताओ, यहाँ से मास लिखा क्या? यहाँ से यहाँ, ये दैट इक्वल टू ये किया क्या तुम 150 प्लस, ये प्लस ये भी तो करना पड़ेगा ना, ये समझ में आया ना? यहाँ इसने सही किया है, फिर यहाँ उसने क्या किया, ये इसने इतना नहीं लिखा क्योंकि ये तो मास रख करके आ रहा है ना। हमने क्या किया कि हमने यहाँ वेरिएबल, इसने वेरिएबल मास रख लिया, समझ में आया ना? और उसके बाद उसने क्या किया कि ये तुमको मास मालूम चल जाएगा कि इतने मास क्या हुआ होगा, मेल्ट हुआ होगा, और टोटल मास तुमको मालूम ही है, तो टोटल मास माइनस क्या हो जाएगा, टोटल मास में से इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ जाएगा। समझ में आया क्या तुम लोगों को? अरे समझ में आया कि हीट अवेलेबल कितना है अपने पास, 150। तो हमने ये लिख लिया, जैसे उसने ये किया कि पहले उसने किया कि कितना मास ऑफ आइस मेल्ट हो रहा है, समझ में आया ना? और टोटल में से उसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो उसने यहाँ मान लिया कि मास m मान लिया इनटू उसने माना s आइस इनटू ये कितना दिया हुआ है, आई थिंक 14 था, कितना डेल्टा t जो भी लिखना है लिख लेना, प्लस यहाँ हमने क्या लिखा m इनटू lf इक्वल टू 150। समझ में आया ना? इतना ग्राम ऑफ मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, सॉरी इतना ग्राम ऑफ आइस जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इसका मतलब रिमेनिंग आइस जो होगा वो क्या होगा, बच जाएगा। समझ में आया ना? तो टोटल मास ऑफ वाटर पूछा जाए इस सिचुएशन में तो क्या बताओगे, इनिशियल मास ऑफ वाटर प्लस ए मास। ठीक है, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेते नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं, टाइम भी हो गया। चलो कल बताता हूँ इस पर, और कल तुमको ये बता दूंगा वो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। हाँ बोल, है क्या 0 डिग्री सेल्सियस, इस पे कॉल कल और 2-3 न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा तुम लोगों को, और कल तुम लोगों का ये सिलेबस जो है वो सैंपल हो जाएगा, है ना? और उसके बाद घर रहने का करना क्या है, समझ में आया?